स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं पंजाब की कुछ खास खबरों की। पंजाब के अमृतसर में बिजली विभाग की लापरवाही। अमृतसर में बिजली के तार घरों के पास से भी निकले हुए हैं। बारिश का समय आ चुका है, किसी भी समय दुर्घटना का डर बना रहता है। अमृतसर से दीपक की रिपोर्ट। सुनवाई नहीं करता, जई साहब नु क्या वा, कौंसलर साहब नु क्या, कोई नहीं सुनता सुनवाई। छोटे छोटे बच्चे गली जो घूमते तारा किसी टाइम भी देख सकदियां वा। यह बहुत बुरा हाल है भाजी, हाड़ी कोई सुनवाई नहीं हैगी, कोई कौंसलर कोई जई कोई भी नहीं सुनता। कई बार कंप्लेट कर रहा है मारे कंप्लेट तो काफ़ी चिर पहले मेरे भरा ने पाई ही, उत्तों कोई सुनवाई नहीं करता। तीन चार महीने हो गए पाई न, डेढ़ महीना हो गया पाई कंप्लेट, सुनवाई नहीं करते। कहें करांगे करांगे, मसला कोई मसला नहीं करता भाई। प्रवीण कुमार जी, मसला हाल चाहते असला मसला यह चलते कि तारा तूरा सैट करना डिगन आगे तारा सही कर सही तरीके ये कंधा तारा जुड़िया वा खतरे वाला काम आ रहा है। जो मर्जी कराए करंट आ सकता वा। गली नंबर 3 दशमेश नगर ये कंप्लेट लिखाई आप नंगिया तारा 3 फीस तारा है ने जला के कोई मोटरसाइकिल भी लंघता तो सिर से बजती है आ मकान के ना सपोर्ट लगी ने तो तारा थले आए हैं। बिजली घर कंप्लेट की उन्होंने प्रवीण कुमार जी ने किया उन्होंने जाके मिलो। प्रवीण कुमार जी ने कई बार मिल चुके हैं, फोन करते हैं कहते आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी तक 1.5 महीना हो गया कंप्लेट लिखाई नूं, लेकिन कोई शख्स नहीं आया इतने ना बिजली घर का अपना कौंसलर की मोहर लगा के भी लगे आगे लाइ लिया लिखे लिखा के 1.5 महीने कोई सुनवाई नहीं हुई अजे। अगर कोई हादसा होंगे इतने कोई भी मतलब किसी कोई तार टुट जाती है कोई हादसा हो गया जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार बिजली बोर्ड या प्रवीण कुमार जी होगा। ये सुनवाई की जल्द तो जल्द भाई देखो जो महल वाले दो साढ़े अगर वीर ने जो किया है उन्होंने बयान नोट किया जाए। बाकी इस मसले का जरा इतों गड्डी गुड्डी आटो वाले लाने का बड़ा डरता है कि मेरिया तारा ना कर जे किसी कोई लोहे की चीज वज गई तो नुकसान होता बहुत डर है। मसला ये हल कर दो, बड़ी मेहरबानी तुहाडी।